नहीं आ रहा, मैं जींस टॉप क्यों नहीं डाल सकती? तो इस घर की बहू से बवां की तरह रहना सीख। शादी से पहले तो आप बहुत बोलते थे जींस पहनना, जो मर्जी करना, जहाँ जी करे वहाँ जाना, अब क्या हुआ? मन्ना कद कही थी तने सिर पे बैठा कर रखूंगी, बहू से बवां की तरह रहना सीख। मम्मी जब पूजा डाल सकते मैं क्यों नहीं डाल सकती? मम्मी बहू और बेटी एक होती है ना। तू पूजा की ओढ़ मत करे, पूजा इस घर की छोरी से और तू इस घर की बहू से, जो एक होती हो तो माँ बाप बेटी ने अपने घर न रख ले, क्यों ब्याह है? वाह मम्मी आप तो कमाल की बात कर रहे हो, मुझे आज शाम को पार्टी में जाना, मैं जींस ही डाल के जाऊंगी। इस पतलून में घर तक बाहर पांच टेकन को नहीं दूं, चाहे एक बकवा चाहे लाख बकवा। मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ पे है, इज्जत मन के अंदर होनी चाहिए ना कि कपड़ों से पता चलता है। ईब तेरा ब्याह हो गया, इस घर की जिम्मेवारी समझ ले, अरे दुनिया समाज न्यू जीवन को नहीं दे। मम्मी मैं घर का सारा काम करती हूँ, आपको कभी शिकायत का मौका देती हूँ? पूरा दिन मैं सूट और शर्ट में निकालती हूँ, कभी कभी तो मुझे बाहर जाना होता है तभी आप जींस के लिए मना कर देते हो। ये जोड़े दो हाथ बाहर जाएगी तो सूट साड़ी में जाएगी, ना अपने घर के भीतर रहे। हेलो यार, मैं नहीं आ रही पार्टी में यार, इन सासों के वही ड्रामे, अपनी बेटी चाहे कुछ भी करे बहू ना करे। बस यार बोल रहे सूट और साड़ी में जा, उन्हें क्या पता माहौल के हिसाब से कपड़े डाले जाते हैं। यार बिल्कुल मूड ऑफ हो गया, अब तू ज्यादा फोर्स मत कर, मैं नहीं आ रही पार्टी में। भाभी भाभी आप यहाँ पे बैठे, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। भाभी आज खाने में क्या बनाया? बना के रख दिया, किचन में जाके खा लो। क्या हो गया भाभी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे लिए कोई कसर छोड़ी है? नहीं। फिर मम्मी मुझे जींस टॉप क्यों नहीं डालने दे रही? भाभी आप जानते हो ना मम्मी पुरानी सोच की है। यार मुझे आज पार्टी में जाना, बोल रही सूट और साड़ी में जाओ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ? ये तो पता होगा ना मॉल के हिसाब से कपड़े डाले जाते हैं, पहले तो बहुत बोल रही थी हम दोनों एक हैं उनके लिए। भाभी मम्मी ना पुरानी सोच की है, आज मैं उनसे बात करूँगी, उसके बाद वो ऐसा नहीं बोलेंगे। चलो खाना खाते हैं। तुम खा लो जाओ। नहीं चलो हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। अच्छा डाल लो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। जल्दी आना। ठीक है। आ गई बेटा। हाँ मम्मी आ गई। आज आपने क्या बोल दिया भाभी को? इसी तो घर में कोई बात ना हुई। रहने दो, आप झूठ मत बोलो, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा तू शिकायत ही तो आनते ही। मम्मी इसमें सिखाने वाली बात नहीं है, वो उदास बैठी थी, मैंने उनसे जोर जबरदस्ती करके पूछा है। इस बात ना तू भी समझ, जींस टॉप पहन दूंगी तो अगड़ पड़ोसी रिश्तेदार सब के कहेंगे। मम्मी आजकल ना जमाना बदल चुका है, कौन लोगों के बारे में सोचता है, और बहू और बेटी एक जैसे ही होते हैं, क्या हो जाएगा अगर वो भी जींस डाल लेंगी तो? मेरे आगे तू घनी मॉडल ना बने, तन्ने भी अगले घर जाना है, मेरी के लिए बहस बाजी मत करे, चल अपना काम कर ले। मैं कोई आपसे बहस नहीं करने आई हूँ, बस आपको बताने आई हूँ कि उनको भी जींस डालने दिया करो, उनके भी कुछ अरमान है वो भी पूरे हो जाएंगे, और वो तो घर पे रहने की बात कर रही थी, कौन सा गली गली घूमने की बात कर रही थी? ये पेंट पैर का तो के शौक पूरे होंगे। मम्मी वो घर का काम अच्छे से करती है ना, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देती, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? इतनी बहस बाजी ना करा तू मेरी गेल्या, तेरे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी, के ना करते उस्ताई सारी तो के शौक पूरे करन ला करे। आप उन्हें जींस तक तो पहनने नहीं देते और बोलते हैं उनके शौक पूरे करते हैं। अच्छा कल नवानों को मैं 12 मान दूंगी, वे भी शौक पूरे कर दे इसके। वो ऐसा कुछ नहीं कहने वाली, वो एक अच्छे घर से है, आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये छोरी ने अपने कैसा बना काटा है जी। मम्मी बाजार गए थे, क्या लेके आए हो? पहले सर पे चुन्नी गेर का। अब तो दो, क्या लेके आए हो? दिखता नहीं, माथे में आग सग बटन है। इतना सारा गोल्ड तन बेरा नहीं पूजा का रास्ता कर दिया, मारे में गोल्ड दिया ही करें। मुझे कहाँ से पता होगा मम्मी, कौन सा आप मुझे बताते हो? सारी बतानी जरूरी है, अपना घर का काम करे आराम तरह, फालतू बात तम ध्यान क्यों रखे? मैं इस घर की बहू मम्मी, मेरा भी तो हक बनता जानने का। ये सारी बात बतानी जरूरी के? मम्मी मुझे ना सिर्फ पूजा का तो बताओ, उसकी शादी के बारे में, उसका भी तो हक बनता जानने का। अच्छा मैं पूजा ने बुझू के तेरा रास्ता कर दिया, मारे में ये बात ना होती, जो बड़े फाइनल कर दे वो है। मम्मी मुझे जैसे रखते मैं रह लेती हूँ, जींस नहीं डालने देते कोई बात नहीं, पर पूजा से तो पूछ लो, क्या पता किसी और को पसंद करती हो। उसकी पसंद क्या करेगी, जब मैंने रास्ता कर दिया था। चल रसोई में अपना काम कर। अरे ये किस चीज की तैयारी चल रही है? आगे बेटा तेरे खातर ले ये सब कुछ।
मेरे लिए क्यों? अरे बेटा, मैंने तेरा रास्ता पक्का कर दिया, तन बेरा मारे में अगले पास लिया था गोल्ड दिया एक रह। मेरा रिश्ता वो भी मुझसे बिना पूछे? इसमें तेरे ते क्या पूछना था बेटा? मम्मी आप मेरा रिश्ता करो, एक बार मेरी मर्जी तो पूछ लेते कि मैं उस घर में एक बार जाना चाहती या नहीं। मन्ना जो करया गलत करया, तू नहीं जाना है ना? मम्मी मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन एक बार कम से कम मेरे बारे में सोच तो लेते। मन्ना ऐसा लगा सारी बात तो इसकी मानना है। भाभी ने मुझे कुछ नहीं भड़काया है। अच्छा आप ये सब कुछ छोड़ो, आपने उन्हें ये बता दिया कि मैं सिर्फ जींस टॉप पहनती हूँ, सूट सलवार नहीं पहन सकती। तू इस बात की भड़क मत ले, मैंने पहले ही खोल कर दी, मेरी बेटी जी करे जो कुछ पहनेगी। अरे यो सोना न्यू है दियो, तेरे तो दब कर रहेंगे। अरे वाह मम्मी, जब अपनी बेटी की बारी आई तो आप सोना देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब भाभी की बारी आती है तब आपको क्या हो जाता? आप उन्हें कभी जींस टॉप नहीं डालने देते, वो तो दहेज में भी वो सब कुछ लेके आई थी जो आपने मंगवाया था, और कभी आपको शिकायत का मौका तक नहीं देती। लेकिन नहीं, उस टाइम तो आप इस बारे में सोचते भी नहीं हो। सही कहे बेटी, सासू दुखी रखेगी तो बहू तो आपको उल्टे सीधे जवाब देगी। अरे बेटी मेरी ओर तो तू आजाद सजी करे जिसे लत्ते ओढ़िए पहरिए। अरे बेटी आगे वो होगा जब जो तुम चाहोगी। तो ठीक है ना मम्मी, हम पूजा की शादी थी, जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है बेटी, मत करियो।